नमस्कार, आज बात करते हैं श्रीलंका में जो राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं जिसके अंतिम परिणाम रविवार देर रात तक आने वाले हैं, उसमें क्या स्थिति है और उसमें फिलहाल जो सबसे आगे चल रहे हैं और जिनका लगभग राष्ट्रपति बनना तय है वो हैं गोटाबाया राजपक्षे, जो लगभग 52.7% मत लेकर सर्वाधिक सबसे आगे हैं और अपने निकटतम जो उनके प्रतिद्वंदी हैं सजित प्रेमदासा, उन्हें मिले हैं 39.8% जो वोट मिले हैं। तो देर रात तक जो राष्ट्रपति के अंतिम परिणाम आएंगे उसमें ये लगभग तय हो चुका है कि गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। गोटाबाया राजपक्षे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी आयु 70 वर्ष है और वो श्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव भी रह चुके हैं और श्रीलंका में जो तमिल समस्या है उसे सुलझाने में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण हाथ है। यहाँ ये बात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के भाई हैं और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। देखिए, सजित प्रेमदासा जिन्हें गोटाबाया राजपक्षे ने हराया है वो पूर्व हाउसिंग मिनिस्टर रह चुके हैं और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि जो गोटाबाया राजपक्षे हैं वो वर्ष 2003 से 5 तक अमेरिका के नागरिक रह चुके हैं, हालांकि वर्ष 2019 से वो पुनः श्रीलंका के नागरिक बन चुके हैं। तो अब इस चुनाव में जहाँ लगभग तय हो चुका है कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बनेंगे अगले, तो उनके सामने क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या चैलेंज उनके लिए हैं, तो उनमें सबसे बड़ा चैलेंज तो अब ये रहेगा कि भारत और चीन के साथ वो अपने संबंधों को आगे कैसे ले जाते हैं। देखिए, गोटाबाया राजपक्षे के जो भाई हैं महेंद्र राजपक्षे, उन्हें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रो चाइनीज़ माना जाता है कि वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए थे, बहुत सारे उनने उस समय डील भी की चाइना के साथ और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत के साथ अब गोटाबाया राजपक्षे किस तरह के संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर पर बहुत बम विस्फोट हुए थे, उसके पश्चात ये पहला महत्वपूर्ण चुनाव है। तो श्रीलंका में जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसे भी वो किस तरह से हैंडल करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो आने वाले समय में गोटाबाया राजपक्षे किस तरह से अपनी जो नीतियां हैं भारत, एशिया और विभिन्न देशों के साथ बनाते हैं, उससे श्रीलंका का भविष्य और दिशा तय होगी।